साक्षी को देते हैं सरप्राइज चॉकलेट डे पर। चलिए चलते हैं यार। मतलब मैं 10,000 के लिए परेशान कर दिया मैंने, लेकिन इतना टाइम लगा रहे हैं। देखो मैं क्या लाई हूँ। थैंक यू। अच्छा आपने वो रिकॉर्ड किया जब मैंने ऑफिस से भिजवाया था? नहीं वो मैं पर्सनली वाली रिकॉर्ड करता हूँ मैं। ओके पर्सनली मैंने इन्हें ऑफिस से भिजवाई थी चॉकलेट्स और चॉकलेट शेक। इन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। अरे काम कर रही थी, एकदम से याद आया मुझे कि आज तो चॉकलेट डे है, चलो इन्हें कुछ दिया जाए। फिर मैंने भिजवाया और मैं लाई हूँ ये। मतलब मुझे रिसीव हुआ, हम तो थे नहीं यहाँ कल, ये कल आ गया था, भाभी ने ले लिया था ये। अच्छा हाँ, तो मामा अर्थ का मैंने क्या मंगाया वो भी शेयर करेंगे, है ना? चलो पहले मैं अंदर घुस जाती हूँ। और खाते हैं इसे। ठीक है, सारी खा लूंगी अभी। और मैंने ये भिजवाया था इन्हें ऑफिस से। मैंने पहले ना ट्राई किया, पता है क्या, ओटीपी पे ट्राई किया। हाँ एग्जैक्टली, तो वो ये हुआ कि अगले दिन डिलीवर करेगा। उसमें भी मैंने दिमाग दिखाया कि मैंने डायरेक्टली उसको कॉल कर दिया जो देने आता है, तो उसने क्या कहा, मैम हम वैसे भी ऑर्डर लेंगे ना आपका, तो कोई है ही नहीं पहुंचाने वाला, आप लिंकेड पे कर दो, मेरा कोई होगा रिटेलर जो मैं, मतलब वो सप्लायर ही था पूरा। तो फिर मैंने ब्लिंकिट ऐप इंस्टॉल किया, क्योंकि मेरे में नहीं था, आप ही हमेशा ब्लिंकिट से ऑर्डर करते थे। मैंने उसे इंस्टॉल किया, फिर उसमें सर्च किया, फिर आपको भिजवाया विद अ गिफ्ट कार्ड भिजवाया था, लेकिन उसने कार्ड नहीं दिया था। कोई बात नहीं, अंधेरा अंधेरा सारा, अब ठीक है। तो आपने खाया, शेक पिया? ओके कोई नहीं, साथ में मिलके खाते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो हम अभी क्या कर रहे थे, मैं ऑफिस से आई थी, आप सभी ने तो देखा ही, चॉकलेट मिल चुका है यहाँ पे। झाजी ने स्टार्ट किया था, क्या था, जहानाबाद सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, तो हमने सोचा है इसे देखेंगे आज। दो आज फ्राइडे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन देख लेंगे, है ना। और अभी मेरा मूड क्या कर रहा था कि जब मैं आई तो मुझे आइसक्रीम खाना था। इवन जब मैं झाजी के लिए चॉकलेट्स भी भिजवा रही थी तो भी मेरा मन था कि आइसक्रीम भी भिजवा देती हूँ दो, ताकि मैं और झाजी मिल के रात में फिर आइसक्रीम खाए, है ना। चलो। और ये मुझे ठंड में आइसक्रीम नहीं खाने देते, जबकि आइसक्रीम मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो हम सोच रहे हैं कि आइसक्रीम खाने चलते हैं बाहर, और मैं खाना बना चुकी हूँ, तो खाना बाद में खाएंगे, पहले आइसक्रीम खाएंगे। और मैं यहाँ पे टाइम बताऊँ तो 11 बज रहे हैं रात के, कोई बात नहीं, लेकिन हम खा सकते हैं। आप कौन सा फ्लेवर खाओगे देखते हैं। मेरा तो फाइनल है, अगर मदर डेरी वाला हुआ तो मैं लूंगी वनीला, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगती है, और कोई हुआ तो चॉकलेट ले लूंगी। तो चलते हैं, मुझे तो वो कप्स वाली ही अच्छी लगती है, मुझे कॉर्नेटो अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, इतना ज़्यादा वो है सबको कॉर्नेटो शौक खाने का, मुझे इससे बेटर लगती है कप वाली, तो वही खाएंगे। सोसाइटी से हम बाहर निकले आइसक्रीम खाने अपनी स्कूटी पे, क्योंकि स्कूटी चलाते नहीं है हम, है ना चाची? बहुत दिनों से ऐसी पड़ी हुई है, पड़े पड़े खराब हो जाए। हाँ इससे बेटर है चला लिया जाए थोड़ा। तो चलिए बताइए कौन सी ले लूँ आपके लिए। कप ले लूँ। कप कौन सा, चॉकलेट? और मैं ले लेती हूँ वनीला, ठीक है। तो चलिए भैया एक चॉकलेट कप दे दो और एक वनीला दे देना। हाँ ये है क्वालिटी गोल्ड। वैसे तो उस साइड भी काफ़ी सारे हैं, क्रीम बेल की आइसक्रीम मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे सबसे अच्छी मदर डेरी लगती है। चलो कोई नहीं, मैं भी चॉकलेट लूँ या वनीला, चलो जो मिल जाए वो ले लेते हैं। भैया को ढूंढने में भी टाइम लगेगा, अभी तक दोनों ही चॉकलेट मिली है हमें, तो दोनों चॉकलेट ही ले लिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल, कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, मैं आ गई हूँ TVS के शोरूम,
हमारी स्कूटी की जो क्या कहते हैं उसे सर्विसिंग, सेकंड वाली ड्यू थी, फर्स्ट तो करवा ली थी झाजी ने, तो सेकंड वाली स्कूटी की सर्विसिंग देने के लिए ही TVS शोरूम आया जहाँ से हमने स्कूटी ली थी, क्योंकि चार सर्विसिंग थी जो फ्री है, बाकी कुछ कुछ चीज़ों के पैसे फिर भी लगते हैं, है ना झाजी? तो मॉर्निंग की शुरुआत हमारी इसी से हुई है, आफ्टर हैविंग अ कप ऑफ टी। मैं स्कूटी चला के आई, झाजी कार से आए हैं ताकि हम जाएं तो कार में दोनों चले जाएं। तो चलिए दिखाती हूँ स्कूटी कहाँ खड़ी है। ये वाली मेरी स्कूटी है, मैं थोड़ा नंबर प्लेट छुपा रही हूँ, बाकी वो कार है, दोनों इधर उधर खड़ी हैं और हम आए हैं TVS के शो। यहाँ पे सैटरडे का मैंने फ़ायदा उठाया, है ना झाजी? झाजी को कहा मैं कुछ नहीं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट हम आए हैं बीकानेर स्वीट्स एंड स्नैक्स कॉर्नर पे। क्यों झाजी? और यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है मसाला डोसा और झाजी ने ऑर्डर किया है, क्या किया झाजी बताएंगे, छोले भटूरे। साथ ही साथ हमने दो प्लेट रसमलाई भी पैक कराई है। हाँ, रात में क्या हुआ, डिनर किया हमने और उसके बाद फिर सो ही गए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था ना, फिर झाजी ने कहा कि सर्दी हो जाएगी तो फिर नहीं खाई कल वाली आइसक्रीम, कोई बात नहीं बाद में खा लेंगे। एग्जैक्टली तो यहाँ पे मैं ले चुकी हूँ दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें एक्चुअली, और उसके बाद झाजी और मैं बैठ चुके हैं कार में, कार मामी कार तो बस चलते हैं हम घर। और तो और बहुत ही एक अच्छी बात ये है कि जो ये शॉप है हमारे घर के इतने पास है कि हम पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि गए थे स्कूटी सर्विसिंग के लिए देने तो हम आ गए कार से ही, है ना, और सामने हमारी सोसाइटी, बस तो सही है ये, मतलब ये बहुत ही सही है कि आप सैटरडे और संडे नाश्ता कभी कभार नहीं बनाओ है ना झाजी? कभी कभार बाहर का भी खा लो, डेली नहीं, डेली खाओगे तो बहुत हानिकारक है, बीमार पड़ सकते हैं, तो कभी कभार तो चल जाना। अनपैक कर रही हूँ तो जो खुशबू आ रही है मेरे मुंह में, पानी आ रहा है और पेट ऐसा हो रहा है कि बस खा लो जल्दी से पर झाजी झाजी खाएंगे, मैंने अपने लिए मसाला डोसा लिया है, मैं टेस्ट तो कर ही सकती हूँ, खैर एक भटूरा ले लो उसमें से, नहीं कोई नहीं, फिर वो कैसे खाएंगे मसाला डोसा। छोले पता नहीं कैसे बनाते हैं, कितना भी ट्राई कर लो, मैंने एक बार यूट्यूब वीडियो देख के छोले भटूरे वाले छोले बनाए थे, नहीं बनते, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। मैंने देखा था आमला कैंडी, बहुत सारी चीजें डालते हैं, आमचूर, अलग अलग चीजें डालते हैं, तो ये बनते होंगे टेस्टी। अब मैं अब अपना मसाला डोसा निकालने वाली हूँ, ये था रसमलाई, तो शायद थोड़ी सी गिर गई, चलिए मैं निकाल लेती हूँ फिर।